हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्दी चस्का। आप सभी लोग कैसे हैं? होप करते हैं और साथ ही प्रे करते हैं कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे और सेफ होंगे। आज हम एक बहुत ज्यादा हेल्दी, न्यूट्रिशियस और इम्यूनिटी बूस्टर रेसिपी शेयर करेंगे। आई होप आप सभी लोग पसंद करेंगे, क्योंकि इस टाइम कोविड-19 के टाइम पे, कोरोना के समय पर सभी को इम्यूनिटी बूस्टिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसके लिए हमने लिया है ये पम्पकिन। ये हम पम्पकिन से तैयार करेंगे। तो ये हमने 1/2 kg पम्पकिन को अच्छी तरह से साफ करके इसको ग्रेट करके रखा हुआ है। साथ ही हमने इसमें लिया है ये बेसन, चने का आटा और ये होल व्हीट फ्लावर, गेहूं का आटा, सेमोलिना, सूजी, इन तीनों को सेम प्रोपोर्शन में लिया है। सूजी अभी इस टाइम पर हमारे पास थोड़ी कम थी, तो हमने ये इसको थोड़ा कम लिया। आप कम ज्यादा कर सकते हैं। और ये हमने साथ ही ये जिंजर, गार्लिक और हरी मिर्च, चिली को मोटा मोटा थोड़ा चॉप करके रखा हुआ है। ये कैप्सिकम है, ये हमने मिंट लीफ और कोरिएंडर लीफ को चॉप किया हुआ है। ये हमने स्पाइसेस लिए हैं, इसमें थोड़ी सी हमने अजवाइन ली है 1/2 tablespoon, 1/2 tablespoon जीरा, 1/2 tablespoon रेड चिली पाउडर, 1/2 tablespoon से भी कम 1/4। ये हमने टर्मरिक पाउडर लिया है, 1/2 tablespoon सॉल्ट लिया है, ये आप टेस्ट के अकॉर्डिंग लें, और 1/4 से भी 1 pinch ये हमने बेकिंग सोडा लिया, ये भी ऑप्शनल है। तो सबसे पहले हम ये स्टीम कुक फूड तैयार करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा हेल्दी और न्यूट्रिशियस है और इम्यूनिटी बूस्टिंग है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसका डो तैयार करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने ये 1 bowl, या आप अपना मेजरमेंट कर ले, ये वैसे 1 cup के अकॉर्डिंग, तो ये 1/2 cup है, और ये हमने छोटा 1 bowl, ये हमने गेहूं का आटा लिया है 1/2 cup से थोड़ा कम, ये सेमोलिना सूजी है, साथ ही ये हमने 1 cup बेसन लिया हुआ है। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें आप क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा भी कर सकते हैं। ये हमने ग्रेटेड पम्पकिन लिया हुआ है, कद्दू, जो कि बहुत कम लोग खाना पसंद करते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा हाईली न्यूट्रिशियस है और पर्टिकुलरली रिच इन विटामिन ए एंड सी। ये हाईली एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है, और साथ ही ये हेल्पफुल है फॉर हमारे जो इन्फेक्शन है, वायरस है, उनको उनसे फाइट करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो इस टाइम पर हम इसीलिए ये आपके लिए रेसिपी लेकर आए हैं, ये पम्पकिन की, और बहुत ज्यादा हेल्दी है, बहुत ज्यादा डिलीशियस है। जरूर बनाएं इस टाइम पर और जरूर आप इसका यूज करें। देखिए, हमने 1/2 kg ये लिया हुआ है पम्पकिन, साथ ही ये हमने चॉप्ड ग्रीन लीव्स ली हुई हैं, जो कि हमारे पास इस टाइम पर अवेलेबल थी। ये हमने मिंट लीव्स एंड कोरिएंडर लीव्स को कट करके लिया हुआ है। ये कैप्सिकम, चॉप्ड कैप्सिकम है, साथ ही ये देखिए जिंजर, गार्लिक एंड चिली, ग्रीन चिली, इन तीन, ये तीनों को साथ में मोटा मोटा इस तरह से चॉप किया हुआ है, सबको ऐड किया। इसी स्टेज पर देखिए, ये हम सभी अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे, 1 pinch बेकिंग सोडा, 1/2 tablespoon अजमाइन, 1/2 tablespoon जीरा, 1/2 tablespoon चिली पाउडर, या स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं, 1/4 टर्मरिक पाउडर एंड 1 tablespoon से थोड़ा कम रखिए आप, ये हमने सॉल्ट लिया है, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ ही इसी स्टेज पर हम 2 tablespoon, अगर आपके पास पीनट ऑयल है तो वो इसमें बहुत अच्छा टेस्ट देता है, अदरवाइज आपके पास जो भी रिफाइंड ऑयल है, घी भी आप इसमें डाल सकते हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा सा ऐड कर लें। इसको अच्छे से हाथ से मिक्स कर लें, इसकी अच्छी सी वाइंडिंग कर लें विदाउट वाटर, ये बहुत अच्छी तरह इसी में ही
वाइंड हो जाएगा। देखिए इसी तरह से इसमें पूरी वाइंडिंग बहुत अच्छे से इसमें हो जाएगी। पम्पकिन में अपना नेचुरल वाटर होता है जो कि बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है। देखिए बहुत अच्छी तरह ये सबको मिक्स करने के बाद, अगर आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीमर में, अदरवाइज इस तरह की आपके पास कोई भी स्टील की चलनी हो तो उसमें आप थोड़ा सा इसको ग्रीस कर लें, हल्के से ऑयल से इससे अच्छे से इसकी ब्रशिंग कर लें ताकि ये इजीली आपके निकल सके। और किसी बड़े पैन में, भगोने में, कढ़ाई में, जिसमें भी ये फिट आ सके आपकी चलनी, जो भी आपका साइज हो उसके अकॉर्डिंग, या स्टीमर में आप पानी भर के उसको बॉयल होने के लिए रख दें और उसके ऊपर इसको। तो देखिए इस तरह से इसको ऑयलिंग करने के बाद हाथ में थोड़ा सा ऑयल लेकर इस तरह से बहुत इजी है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस रेसिपी है और बहुत ज्यादा बनाना इजी है। ये देखिए इस तरह से आप इसके रोल्स बना लें। ये साइज आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा रख सकते हैं, वैसे ज्यादा बहुत ज्यादा थिक ना रखें। देखिए इस तरह से रोल्स तैयार कर लें सभी के। इसको आप ब्रेकफास्ट में, स्नैक्स में, डिनर में भी बहुत ज्यादा हेल्दी, आप इसको डिनर में, ब्रेकफास्ट में कभी भी ले सकते हैं। कंप्लीट मील है, बहुत ही ज्यादा हेल्दी फूड है। इस तरह से सभी को हम सारे रोल्स तैयार कर लेंगे। देखिए ये अब हमारे सभी रोल्स हमने उस मिक्सर के 5 रोल्स इस तरह से बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इसको, हमने एक बड़े पतीले में इस तरह से देखिए पानी डालकर इसको बॉईल होने के लिए रख दिया है। इसमें हमने लेमन, जो आप स्क्वीज करके रख देते हैं, निचोड़ कर रख देते हैं, उसको डाला हुआ है ताकि इसमें नीचे, इससे डालने से, नींबू के छिलके डालने से इसमें निशान वगैरह कुछ नहीं बनेगा, हमारा पतीला भी काला नहीं होगा। तो इसमें हमने पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया है। देखिए इस तरह से इसको अच्छी तरह ग्रीस करके इस प्लेट में जाली के ऊपर रख कर इस तरह से बंद करके किसी पतीले के ऊपर जो हमने रखा है उसके ऊपर इसको कम से कम 15-20 मिनट के लिए स्टीम होने के लिए रख देंगे। फिर हम इसको हटाकर एक बार चेक करके देखेंगे, अगर हमारा नाइफ या फॉक क्लियर निकल रहा है तो मतलब हमारा ये स्टीम अच्छी तरह हो चुका है। देखिए आफ्टर 15-20 मिनट्स ये हमारे सभी अच्छी तरह से स्टीम होकर तैयार है। इसको आप चेक करने के लिए देखिए इस तरह से नाइफ डालकर, अगर ये बिल्कुल क्लियर निकल रहा है, नाइफ क्लियर निकल रहा है, फोक डालकर आप देख लें, ये अगर बिल्कुल क्लियर निकल रहा है इसका मतलब ये हमारे अच्छी तरह से स्टीम कुक हो चुके हैं। इसको आप थोड़ी देर 5-10 मिनट बाद थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इसको हम कट कर लेंगे। देखिए अब ये ठंडे हो चुके हैं, अब हम इसको कटिंग करेंगे इसकी। देखिए इस तरह से लेकर इस तरह से आप इसको कट कर लीजिए। देखिए इस तरह से सभी को कट कर लेंगे। अगर आप लोगों में से किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज आप पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर रेसिपी पसंद आ रही हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट्स जरूर दिया करें आप लोग, ताकि हमको पता चले कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है। और आगे आने वाली बहुत अच्छी अच्छी हेल्दी रेसिपीज के लिए आप हेल्दी चस्का से हमारे साथ जुड़े रहें। और कट करने के बाद आप इसको इसी तरह से, अगर
बिल्कुल ऑयल नहीं चाहते तो आप इसको स्टीम कुक इसी तरह से केचप चटनी के साथ ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आप थोड़ा सा ऑयल डालकर इसको रोस्ट करते हैं तो इसका फ्लेवर और इसका टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा एनहेंस करता है। तो हम अब इसको सेलो फ्राई करेंगे। देखिए अभी अब हमने ये अपने सभी रोल्स अच्छी तरह से कट कर लिए हैं, अब हम इनको थोड़ा सा सेलो फ्राई करेंगे। देखिए एक पैन लेंगे हम, इसको हमने अच्छे से गर्म होने के लिए रख दिया है। यहाँ हमने लगभग 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है, इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। देखिए ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसमें 1 टेबल स्पून ये हमने मस्टर्ड सीड डाला है, 1/2 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून ये हमने सफेद व्हाइट वाले तिल डाले हैं, साथ ही हमने 1/2 टेबल स्पून हींग डाली है, करी पत्ता और ये बड़ी हरी मिर्च बड़े पीसेज में काटी है। जो लोग ना खाना चाहें वो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। सबको अच्छे से डालकर देखिए इसका तड़का तैयार कर लेंगे। 1/2 टेबल स्पून से कम टर्मरिक पाउडर, सबको अच्छे से रोस्ट होने के बाद इसमें हम धीरे से इसको शिफ्ट कर देंगे। इसमें ये थोड़े सॉफ्ट होते हैं, धीरे धीरे इसको फ्राई करें। गैस का फ्लेम मीडियम रख लें और थोड़ी देर कम से कम 5 मिनट के लिए इसको धीरे धीरे इसको रोस्ट होने दें। थोड़ा सा इस पर कलर इसका चेंज हो जाए, गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छे से फ्राई कर लें। देखिए इसी स्टेज पर आप थोड़ा सा इसको टेस्ट करके देख लें, अगर आपका सॉल्ट ठीक है, वैसे तो उसमें आपने डाला है मिक्सचर में तो ठीक होगा, अगर आपको कम या ज्यादा लगे, कम लगे तो आप इसके ऊपर अभी इस पर स्प्रिंकल कर सकते हैं थोड़ा सा। देखिए अब ये अच्छी तरह से थोड़ा सा गोल्डन रोस्ट होने के बाद देखिए इस तरह से, अब आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें लेमन जूस इसको ऐड करें, जो कि विटामिन सी से भरपूर है और इस टाइम पर इसकी सबको जरूरत भी बहुत है। ऑलवेज लेमन का आप मैक्सिमम यूज करें। देखिए इस तरह से अब इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। देखिए बिल्कुल ये बनकर रोस्ट होकर तैयार है, बहुत ज्यादा थोड़ा सा क्रिस्पीनेस भी आनी चाहिए इस पर, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी, बहुत ज्यादा हेल्दी, आप किसी भी टाइम पर इसको एंजॉय कर सकते हैं। अब हम इसको सर्व करते हैं। देखिए गरम गरम इसको आप चाय के साथ, केचप के साथ, चटनी के साथ, किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हैं। इसको हम इसी स्टेज पर गरम गरम निकाल लेते हैं। देखिए अब ये हमारे स्टीम कुक पम्पकिन मुठिया, जो कि बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस है और ज्यादा हेल्दी है, इम्यूनिटी बूस्टर है, तो ये बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत जल्दी आसानी से फटाफट तैयार हो जाते हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके ऊपर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी ये ऐड कर सकते हैं। देखिए इस तरह से, और आप किसी भी चटनी, केचप, सॉस, चाय, किसी के साथ भी इसको एंजॉय करें। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और प्लीज कमेंट जरूर दें, जिससे हम आगे और अच्छी अच्छी हेल्दी रेसिपीज आपके लिए लाते रहें, बनाते रहें और शेयर करते रहें। और हेल्दी रहिए और हेल्दी संस्था के साथ इसी तरह से प्यार से जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।